आज हम उस दौर में आए हैं, चुनाव हमारा यही है, यही लोकतंत्र की भूमिका है कि हमारा संघर्ष बोलता है, हम नहीं बोलते हैं। हमारे बोलने वाले साथियों ने जो संघर्ष किए हैं वो उनके बारे में बताया कि हम नहीं, हमारा संघर्ष बोलता है कि इस दोस्तों CPIM पार्टी की आज हुई है हनुमानगढ़ में बैठक और रघुवीर वर्मा ने उम्मीदवार हनुमानगढ़ विधानसभा खातर बना दिया गया है। जानी हनुमानगढ़ विधानसभा में रघुवीर वर्मा CPIM पार्टी की तरफों चुनाव लड़े रहा। आज फैसलो पार्टी की बैठक में ले ली जो है, बट है रघुवीर वर्मा आए कहो है कि संघर्ष ही बोला है, संघर्ष तो बोला है वो तो ठीक है, संघर्ष थे अच्छो कर लाग रहा होगा, लेकिन वोटड़ा कितना मिलसी यह महत्वपूर्ण बात है। जिको वोट खींचेगा वो ही जीतेगा, वो ही MLA बनेगो। हालांकि BJP और कांग्रेस पार्टी की तरफों तो अजय कोई पता कौन ही टिकट किने मिलेगी, कयास लगान लाग रहा है, बाजन लाग रहा है, कई बाजन लाग रहा है कि वोट के साथ साथ चोट भी करांगा और मैं विधानसभा रा कैंडिडेट बनांगा। पार्टियां में घमासान तो मचन लाग रहे हो, पर CPIM पार्टी है जिको वह अपनो उम्मीदवार बड़ी आसानी हूँ अड तय कर दियो है। रघुवीर वर्मा ने वो उम्मीदवार घोषित कर दियो है। बिया 2018 में भी रघुवीर वर्मा चुनाव लड़े हो, 2018 में जिका वोट है वे 4347 वोट आने मिलया और प्रतिशत अगर देखा तो 1.94% 2018 में वोट बनया। हालांकि अब किसान आंदोलन के सागे जुड़िया रहा और धरना प्रदर्शन के वहाँ वे सक्रिय है। अब की बार देखांगा कि वांगो कितो संघर्ष काम आवे और किसाना की बात करा चाहे हम मजदूरों की बात करा, धरना प्रदर्शन में तो खूब चर्चित हो रहा है रघुवीर वर्मा, जगह जगह वह धरना प्रदर्शन में भाग भी लेवे और बैठे लोगों ने जोड़ने की कोशिश भी करे, लेकिन चुनाव आते वक्त आ देखने वाली बात होगी कि MLA की जी की कुर्सी है, MLA का जी का सेहरा है, वह किंग सिर बंद है, वह तो टाइम बताओगे। लेकिन रघुवीर वर्मा आज घोषणा करता ही वहाँ चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि हनुमानगढ़ विधानसभा में रघुवीर वर्मा CPIM पार्टी चुनाव लड़ेगा। दोस्तों हनुमानगढ़ विधानसभा की बात आप करा तो 28 साल दो परिवारों रो कब्जो हनुमानगढ़ विधानसभा में चलन लाग रहे है, BJP होवे चाहे कांग्रेस होवे, दो परिवार ही अठे MLA कुर्सी पर बैठे है। अब 2023 रो चुनाव है, बाजिया तो कई फिर है कि मैं MLA की टिकट ले आवांगा, वो तो समय बताओगे। दोनों पार्टी कांग्रेस और BJP में उम्मीदवार पार्टी किन बढ़ावे या तो टाइम वक्त आओ जल्द ठा लागेगो, लेकिन CPIM उम्मीदवार है जिका घोषित कर वहाँ आपनों काम शुरू कर दी जो है। तो हमारी तरफों भी रघुवीर वर्मा ने कलम न्यूज तरफों भी बधाई है कि थाने उम्मीदवार बनाया हुआ है और तकड़ो और थे वोटड़ा मांगना शुरू कर दी जो। राम राम।